बन्ना देवी क्षेत्र के जिला मलखान सिंह अस्पताल में देर रात नशे में चूर अंगूर की बेटी का सेवन किए नशेड़ी दबंग व्यक्तियों के द्वारा जिला अस्पताल के डॉक्टरों संग बदसलूकी करके साथ ही जिला अस्पताल में खबर कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ गाली गलौज कर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया, जहां शराबी दबंग लोगों के द्वारा इमरजेंसी के डॉक्टरों के साथ बदसलूकी और पत्रकार के साथ की गई मारपीट की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई है। आरोप यह है कि पुलिस के मौके पर पहुंचने के दौरान शराब के नशे में धुत दबंग लोगों ने अपने सप्ताह रौब झाड़ते हुए पुलिस के साथ ही बदसलूकी की है, जिसके बाद मामले को बढ़ता देख डॉक्टरों के साथ बदसलूकी करने के साथ ही पत्रकार के साथ आधार कार्ड नहीं दिखाने पर गाली गलौज कर मारपीट करने वाले शराब के नशे में धुत नशेड़ी दबंग लोग मौके से चले गए, जिसके बाद पीड़ित पत्रकार ने जिला अस्पताल में उसके साथ मारपीट करने वाले शराब के नशे में धुत दबंग व्यक्तियों के खिलाफ दिन निकलते ही पुलिस को तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करा दिए जाने की बात कही है। इसके साथ ही पत्रकार का कहना है कि जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे डॉक्टरों और उनके साथ हुई पूरी घटना कैद हुई है, जिसके चलते अस्पताल के इमरजेंसी में लगे सीसीटीवी फुटेज निकाले जाएं, जिससे कि उसके साथ हुई वारदात का दूध और पानी का पानी हो जाए। बताया जा रहा है कि एक घायल हुए उपचार के लिए देर रात अस्पताल मलखान सिंह अस्पताल पहुंचा था, जिसके साथ दबंग व्यक्तियों के कुछ मरीज के साथ जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी पर पहुंचे थे। इस दौरान घायल के साथ शराब के नशे में धुत होकर जिला अस्पताल की इमरजेंसी पर पहुंचे दबंग लोगों ने डॉक्टर पर रौब झाड़ते हुए डॉक्टरों से उसके घायल मरीज का ठीक तरह से इलाज किए जाने का दबाव बनाया। दबंग लोगों के द्वारा अस्पताल की इमरजेंसी पर उपचार को लेकर डॉक्टरों पर बनाए जा रहे दबाव को देख मौके पर मौजूद पत्रकार इस घटनाक्रम को लेकर अपने मोबाइल कैमरे में कैद करने लगा। इसी दौरान इमरजेंसी में डॉक्टरों के साथ बदसलूकी कर रहे शराब के नशे में चूर दबंग लोगों की नजर घटना को कवर कर रहे पत्रकार पर पड़ी, जिसके बाद शराबी दबंग लोगों का पारा सातवें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने अस्पताल में उपचार करने के लिए पहुंचे घायल की खबर कवरेज कर रहे पत्रकार का आधार कार्ड मांगते हुए आधार कार्ड नहीं दिखाने पर उसके साथ गाली गलौज कर दी। शराब के नशे में धुत गाली गलौज कर रहे दबंग लोगों की इस बात का जब पत्रकार ने विरोध किया तो इसी बात का विरोध करने पर नशे में धुत दबंग लोगों ने कवरेज कर रहे पत्रकार के साथ मारपीट कर दी। दबंग लोगों द्वारा पत्रकार के साथ जिला मलखान सिंह अस्पताल में की गई मारपीट की घटना अस्पताल की इमरजेंसी में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस दौरान जब नशे में धुत दबंग लोगों द्वारा पत्रकार के साथ मारपीट की जा रही थी तो इसकी सूचना उसके द्वारा फोन पर पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची, इसके बाद पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले दबंग लोगों ने मौके पर ही पहुंची पुलिस के साथ भी बदसलूकी कर दी, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। देखते ही देखते जिला मलखान सिंह अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों के साथ अभद्रता व्यवहार और बदसलूकी करने के साथ ही पत्रकार के साथ मारपीट करने वाले शराब के नशे में धुत दबंग लोगों के गुंडे वारदात को अंजाम देकर मौके पर ही फरार हो गए। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अजहर नवाब है। आज और आपके साथ जिला अस्पताल में क्या हुआ, किस तरीके की घटना हुई? आज मैं जिला मलखान सिंह अस्पताल में कवरेज के लिए गया था। कवरेज करने के दौरान मैं एक व्यक्ति घायल को लेकर आया था। जो व्यक्ति घायल था उसके साथ वाले डॉक्टरों के साथ अपशब्दों का यूज़ कर रहे थे। मैं उसी की कवरेज कर रहा था तो कवरेज करने के दौरान मैं उन लोगों ने मेरे साथ में मारपीट को अंजाम दिया और मेरे साथ में अपशब्दों का यूज़ किया और मेरे साथ में बोलने लगे कि तुम ड्रिंक करा हुए हो, तुमने नशा कर रखा है और तुम कौन से चैनल से हो और अपना जो है आधार कार्ड दिखाओ। मुझसे आधार कार्ड पूछ रहे थे कि आपका आधार कार्ड क्या है, आप आधार कार्ड क्या है। इस मामले को जब मैंने उनसे कहा कि भाई आप कौन हैं, आप मुझसे आधार कार्ड क्यों मांग रहे हैं, तो इसी के विरोध को लेकर के उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दी। मेरे साथ खींचातानी की गई और वहाँ घटना पर सीसीटीवी कैमरे लगा हुए हैं। मैं सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, जिस समय आप कवरेज कर रहे थे उस समय क्या डॉक्टरों पर वो कोई दवा बना रहे थे क्या? डॉक्टरों के साथ में उनका जो व्यवहार था बहुत गंदा था और डॉक्टरों के साथ में बहुत ही अपशब्दों का प्रयोग किया जा रहा था जब मैं कवरेज कर रहा था। तो ऐसा वो क्यों कर रहे थे? वो किसी पेशेंट को लेकर के आए थे और उसी पेशेंट को लेकर के दवा बना रहे थे कि वो कैसे भी करके उस जो पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट अच्छे से करें। अच्छा, तो इसी के उपरांत उन्होंने ये घटना को अंजाम दिया था।
आपने इसको लेकर मामले को लेकर इलाका पुलिस को सूचना दी क्या? मैंने इसमें वहाँ पर मौके पर पुलिस आई थी, पुलिस ने मुझे बचाया भी था, तो वहाँ से मुझे हटा दिया गया था कि आप यहाँ से हट जाओ और ये लोग ड्रिंक कर रहे हुए हैं और इसका जो है आप तहरीर के आधार पर हम संज्ञान ले लेंगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा जिला मलखान सिंह अस्पताल में कार्रवाई करेंगे आप? जी मैं इसकी कार्रवाई इसमें मैं तहरीर दूँगा और मलखान सिंह अस्पताल में जो कैमरे लगे हुए हैं उसमें पूरी घटना कैद है, इसमें सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर गलती किसकी थी।